हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सबका स्वागत है जुरासिक वर्ल्ड का एक और नया एपिसोड में। एंड का जैसे आप लोग देख रहे हो, लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोग जो है शेक द अर्थ वाला इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। एंड लास्ट वीडियो में हम लोग बैटल जीत के हम लोग टॉप 10 का नंबर 26 में पहुंचे थे। आज भी वही बैटल कंटिन्यू रखने वाले एंड देखने वाले कि हम लोग कितना आगे पहुँच पाते हैं एंड हम लोग बैटल जीत के जीतते हैं कि नहीं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो अभी बैटल ले लेते हैं। हम लोग टॉप 26 पे थे तो हम शायद आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे या हम लोग वहाँ पे रहेंगे अगर बैटल हार गया तो। पर फिलहाल तो देखना पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। अभी बैटल ले लेते हैं। ओके, हम लोग ने लास्ट यहाँ पे छोड़ा हुआ था तो यहीं से शुरू कर लेते हैं, हैवी गो। एंड अभी देखते हैं कि हम लोग कितना आगे बढ़ सकते। वेलोसिराप्टर जेन 2 का इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा है नहीं भाई, इसने तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा डायनोस लेके आ गए। मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा डायनो लेके आएंगे, पर इसने कुछ ज़्यादा ही अच्छा डायनोस लेके आ गए, डायरेक्ट लेजेंडरी डायनोस। फिलहाल के लिए हम लोग पॉइंट होल्ड करके देख लेते कि हम लोग यहाँ पे कर क्या सकते हैं। अभी देख लेते हैं, इसके पास 2 पॉइंट्स है, इसका 2 फटके में तो मेरा डायनो का पेटी बन जाएगा, वो तो सीधी सी बात है। पर इसने मारा नहीं, ये अच्छी बात है कि इसने मारा नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम फिलहाल के लिए हम पॉइंट्स को होल्ड कर लेते, फिलहाल मारते नहीं। क्योंकि अगर हम लोग ने स्टार्टिंग में मारने लगे तो ये बात में जाके हमें बहुत गंदे मारने वाले, क्योंकि इसका एचपी काफ़ी अच्छा है फर्स्ट वाला डायनो का। अगर इसका फर्स्ट डायनो डाउन हो गया तो मे भी कुछ कर पाएंगे। इसने फिर से 1 फटके मार दिए, फटके पे फटके मारे जा रहा है। ले जा बेटे, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। एंड यहाँ पे जो इसका फर्स्ट डाइनो डाउन हो चुका है, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। अभी जो इसका डाइनो से उसका इतना अच्छा एचपी नहीं है, लगभग हमारे सेम है, तो मे बी हम लोग ये बैटल निकाल पाएंगे। पर देखते हैं, बैटल का एंड होने तक ही पता चलेगा हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं। वो मैंने पीटी लिया था। ओके, इसने 1 फटके मारते हुए जो मेरा डाइनो है उसका पेटी बना दिया है। अभी हमारा वाटर टाइप है जो इसका अगेंस्ट काफ़ी काम आने वाला है, तो हम 4 पॉइंट ही मारते हुए इसका जो डाइनो है उसका टाटा बाय बाय गुड बाय कर देते हैं। अभी इसका आखिरी डाइनो बचा है जो है कार्निवोरस, एंड मेरा वाटर टाइप के अगेंस्ट काफ़ी वीक होने वाला है। पर इसने 6 पॉइंट है इसके पास, तो मे बी मेरा डाइनो जा सकता है। पर देखते हैं ये 6 पॉइंट करता क्या है। एंड यहाँ पे इसने 6 पॉइंट ही मारते हुए जो मेरा सेकेंड डाइनो है उसका पेटी बना दिया है। पर नो वरीज, मेरा आखिरी डाइनो है, हमारे पास 4 पॉइंट है, तो इसका जो डाइनो है उसका भी पेटी बन ही जाएगा। सो इसका जो आखिरी डाइनो था उसका भी पेटी बन चुका है एंड हम लोग यहाँ पे बैटल वापस से जीत चुके हैं। अभी यहाँ पे देखना है कि हम कितना आगे बढ़ते हैं, हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है। वाह, हम लोग टॉप 5 पे पहुँच गए, काफ़ी अच्छी बात है। 95 नंबर पे, फिर भी कोशिश ज़रूर करेंगे आगे बढ़ने के लिए। अभी देख लेते कि हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है। वो 400 ग्रीन कैश मिल जाता ना, क्या अच्छा हो जाता। पर हमारे किस्मत में इतना अच्छा नहीं है कि हमें मिलने वाला है। सो फॉरगेट इट, हम भूल जाते हैं वो चीज़ फिलहाल के लिए, इट वॉज अ जोक। अभी यहाँ पे ये ले लेते हैं एंड ये पिको। अभी हम लोग टॉप 5 में पहुँचे तो बहुत अच्छा अच्छा डायनोस लेके आने वाले ओपोनेंट, वो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। बोला ही था, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, कोई दिक्कत नहीं। मारो भाई मारो, मुझे ही मारो, इस गरीब को मारो। पॉइंट होल्ड कर लेते हैं फिलहाल के लिए, मारने का सोच नहीं सकते क्योंकि इसका 1 भी फटका मर गया, पड़ गया तो मेरा राइनो का तो पेड़ी बन ही जाएगा। देयर इज़ नो वे आउट, मुझे पता है, क्योंकि इसका एचपी फर्स्ट एंड सेकंड राइनो का काफ़ी अच्छा है। पर फिर भी इसने 2 फटके मारते हुए मेरा जो डाइनो है उसका पेटी बना दिया है। अभी हम भी इसको मार ही देते। 1 2 वाह भाई, 3 फटके में ही जाएगा नहीं, मुझे डाइनो स्वाइप करना चाहिए था, पर यहाँ पे मैंने वो चीज़ गलती कर दी। एंड जो मेरा डाइनो है उसका भी पेटी बनने वाले है। एंड मुझे लगता है यहाँ पे हम लोग बैटल भी हारने वाले, इसने 2 फटके मार दिए। मेरा जो सेकेंड डाइनो वो भी डाउन हो चुका है। अभी आखिरी एक डाइनो बचा है एंड आखिरी एक डाइनो में हम इसको तो उड़ा देंगे, पर इसका जो कार्निवोरस है वो मुझे 1 फटके में ही ले लेंगे, ऐसा ही मुझे लगता है। पता था इसका 2 फटके पड़ गए तो मेरा डाइनो मर जाएगा। एंड यहाँ पे ये जो बैटल है हमारा हाथ से जा चुका है, सो अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेट्स सी ये करता क्या है। एंड यहाँ पे इसने 1 फटके मारे, अगर मैं जाके 6 पॉइंट भी मारूँ ना, फिर भी इसका राइनो का कुछ नहीं होने वाला है।
इतना तो मैं जानती हूँ। एंड हियर वी गो, मुझे पता था इसने एक शील्ड में दिया था, कुछ नहीं हो पाया इसका। 5 पॉइंट्स, इसने पॉइंट क्यों होल्ड किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो ये मुझे एक बार में मेरा डाइनो को ले सकता था, पर इसने पॉइंट होल्ड करते हुए, अच्छी बात है। अभी 5 पॉइंट्स में देख लेते ये 5 पॉइंट्स करता क्या है। मत मार ले, होल्ड कर ले अभी भी। पर नहीं, यहाँ पे इसने 5 फट के मारते हुए मेरा जो आखिरी डायनो उसका पेटी बना दिया। एंड हम लोग यहाँ पे बैटल हार चुके भाई, बहुत गंदी तरीके से हारे भाई, बहुत गंदी तरीके से हारे। कोई दिक्कत नहीं, अभी नेक्स्ट बैटल ले लेते हैं। नेक्स्ट बैटल में ये वाला एंड ये फ्लाइंग टाइप लेके जाते हैं। एंड अभी देख लेते हैं कि ओपनर अगर दिस टाइम भी अच्छा डायनो लेके आए ना, तो नेक्स्ट बैटल से हम लोग भी लीजेंडरी डायनो लेके जाएंगे, वो तो सीधी सी बात है। इसने कुछ ज़्यादा ही भावना में ले लिया ना क्या, मतलब इतना अच्छा अच्छा डायनोस लेके आ रहे। अब इसके पास 2 पॉइंट है, तो लेट्स सी ये 2 पॉइंट करता क्या है। हमने तो अपना डायनो को स्वाइप कर दिया था, अभी ये इसने भी अपना डायनो को स्वाइप कर दिया। एंड इसका डैमेज एंड HP मेरी से ज़्यादा है, वो तो पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम फिलहाल के लिए इसका वाटर टाइप की गेम्स में ये काफ़ी काम आने वाला है, तो हम डाइनो को स्वाइप कर लेते हैं एंड एक पॉइंट को होल्ड कर लेते हैं। अभी देखते हैं ये करता क्या है, शायद ये फिर से अपना कार्निवोरस को स्वाइप कर दे एंड मेरा जो ग्रास टाइप है उसका पीडी बना दे। पर एक फटके में तो मरूंगी नहीं, उतना तो सीधी सी बात है। अभी हम डाइनो को स्वाइप कर लेते हैं एंड जो है अपना पॉइंट्स को होल्ड कर लेते, फिलहाल मारने के बारे में सोचेंगे नहीं। वो भाई इसने पॉइंट को इसने नहीं किया था, सो मारता तो शायद मैं भी ये मर जाता, पर हम लोग ने वो गलती तो ऑलरेडी कर दी है, तो मैं चेंज ही नहीं कर सकती। अभी देख लेते हैं यहाँ पे ये करता क्या, इसने 2 पॉइंट मारते हुए मेरा डाइनो का पीडी बना दिया फर्स्ट डाइनो का। इसने शायद एक ही पॉइंट शील्ड में दी हो, 1 पॉइंट को होल्ड कर लेते। एंड यहाँ पे 2 फटके में इसका डाइनो जो है उसका फर्स्ट डाइनो डाउन हो चुका है, अब इसका सेकेंड डाइनो आ चुका है। अभी सेकेंड डाइनो में देख लेते इसके पास 4 ही पॉइंट है, ये 4 पॉइंट में करता क्या है। ओ ये मतलब मेरा डाइनो को पूरा मारने का इसका कोशिश चल रहा था, नाकाम कोशिश। कोई दिक्कत नहीं, इसने सब पॉइंट्स तो यूज़ कर लिया है, हम डाइनो को स्वाइप कर लेते हैं। यानी यहाँ पे 1 2 3 एक पॉइंट को होल्ड कर लेते हैं। इसके पास पॉइंट नहीं था, तो इसका जो डाइनो है वो भी डाउन हो चुका है, अब इसके पास आखिरी एक डाइनो बचा है। मेरे पास स्टिल 2 डाइनो है, HP काफ़ी कम है, फिर भी डाइनोस तो है, मे भी हम लोग जीत सकते हैं। देख लेते कि ये पॉइंट को करता क्या, इसमें से इसने 3 फटके मार दी। ओके तो लगाने से इसने एक शील्ड में लगाई होगी, अगर एक शील्ड में हो तो 4 पॉइंट से तो ये चला ही जाएगा। आई वॉज राइट, इसने एक शील्ड में दिया था, पर इसका वो शील्ड काम नहीं आया, इसका आखिरी जो डाइनो है वो डाउन हो चुका है। हम लोग यहाँ पे बैटल जीत चुके हैं, मुझे लगा नहीं था, काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा था, पर कुछ भी हो हम लोग ने बैटल निकाली, ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड अभी देखते कि हम लोग टॉप 5 का कितना नंबर पे पहुँचते हैं। लेट्स सी भाई, 90 75। ओके कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते बढ़ते शायद आगे बढ़ के टॉप 1 पे पहुँच भी जाए, वो बता नहीं सकते। पर फिलहाल तो फिर से DNA मिला मुझे, आजकल शेकदार में पता नहीं क्यों कंटिन्यूसली DNA ही मिले जा रहा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ये भी बताना कि आज का जो बैटल था वो आपको कैसा लगा है ना, आपको क्या लगता है ये बैटल एंड होते होते हुए हम टॉप 1 का रिवॉर्ड जो है क्लेम कर पाएंगे कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।